क्षेत्र में नवनिर्माण सेना द्वारा प्रेत यात्रा निकाली गई। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नगर निगम और क्षेत्र के नगर सेवकों के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई। आज 15 जुलाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नागपुर सुधार प्रणय नगर निगम और क्षेत्र के नगर सेवकों के खिलाफ वार्ड नंबर 2 समता नगर नारी क्षेत्र में प्रेत यात्रा निकाली और अपना गुस्सा व्यक्त किया। ये प्रेत यात्रा उत्तर नागपुर के उपाध्यक्ष श्याम रहांगडाले के नेतृत्व में निकाली गई थी और क्षेत्र के नागरिक इस प्रेत यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान नागरिकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, न सड़क है, न गटर लाइन है, न पीने का पानी की व्यवस्था है और यदि कोई मरीज मानसून के दौरान अस्पताल जाना चाहता है तो क्षेत्र में वाहनों की व्यवस्था नहीं है जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सर से हम लोग परेशान हो गए, उस वजह से हमारे को ये NIT का मुर्दा निकालना पड़ा। प्रभाग क्रमांक 2 समता नगर राजाभोज नगर में कम से कम ये अभी 8 दिन से ऐसी रोड पे पानी पूरा बह रहा हुआ है, आने के लिए तकलीफ है, सबकी गाड़ियाँ अपने अपने घर में फंसी हुई है, कोई काम पे नहीं जा सकता। बुजुर्ग महिला की यदि स्वास्थ्य खराब है तो उनको दवाखाना यदि जाना है तो वो नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ यह है कि कोई गर्भवती महिला है तो उनको कैसे ले जाया जाए, एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, यदि कोई उठा के भी ले जाए तो गर्भवती महिला को कैसे कंधे पे उठा के ले जाया जाए। प्रशासन पूरा सोया हुआ है और प्रशासन बिका हुआ है, NIT के जितने भी पदाधिकारी है सब बिके हुए हैं। BKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।